अब देखो जी, अब आ रही है साउंड, अब देखो जी, अब आ रही है साउंड, अब देखो जी। नमस्ते जी, नमस्ते सबको, गुड आफ्टरनून। निशु जी वेरी गुड आफ्टरनून, सुमन सोनी ठीक है जी। आज थोड़ा सा मौसम की वजह से तबीयत थोड़ा सा जुकाम और ये चीजें हुई हुई हैं, कोई नहीं, चलो। हाँ जी, शुरू करें आज का हमारा जो सेशन है, और ज्यादा समय ना लेते हुए जो है वो शुरू करते हैं। सबको गुड आफ्टरनून जी, सबको गुड आफ्टरनून। और हाँ जी, मौसम थोड़ा सा आपको पता है कि गर्म सर्द और ये सब चीजें जो आजकल बहुत हो रही है। हाँ जी, चलो, हमारा पहला जो सवाल है दोस्तों वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज द थ्री फेसेस, नेमली पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और न्यूलिथिक कल्चर्स इन ऑर्डर। निम्नलिखित में से किस स्थल के क्रम में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक संस्कृतियों नामक तीनों चरण है? मतलब कौन सी ऐसी जगह है जिस जगह, गुड आफ्टरनून जी हेनरी, रवि ठाकुर जी ठीक है जी। अब हमारे पास ये तीनों क्या चीजें, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के एक फेसेज है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक। ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज है ना, उसके बाद फिर ब्रॉन्ज एज, ये सारे जो चीजें हैं। अब हमें क्या देखना है कि कोई ऐसी साइट है जिसके अंदर ये तीनों के हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है, ठीक है, तीनों फेसेस की जो है कोई ऐसी साइट, शिवालिक हिल्स, इंडस वैली, बेलन वैली या कश्मीर वैली है ना, जिसके अंदर ये सारी चीजें, तीनों ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट के एराज हैं, ठीक है, वो तीनों की जो एविडेंसीज है तीनों के वो मौजूद हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या है? सी, बेलन वैली। बेलन वैली ठीक है। कल्चर ऑफ ऑल थ्री फेसेस, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक, वर फाउंड एट बेलन वैली। बेलन वैली सी, बेलन वैली के अंदर तीनों कल्चर जो है तीनों मिलते हैं हमें, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक, ठीक है जी। आगे चले, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड, ये तो कर लिया था हमने, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन हो गया था। अगला नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग क्राइम्स इज नॉट डिस्कस्ड इन ऋग्वेदा। हाँ जी, हमारे पास चार क्राइम्स है, ठीक है, इंसेस्ट, कॉन्जुगल इनफिडिटली, थेफ्ट और उसके बाद अबडक्शन फॉर मनी, ठीक है, अनाचार, वैवाहिक बेवफाई, चोरी और पैसे के लिए अपहरण। इन चारों में से कौन सा ऐसा अपराध है जो ऋग्वेदा के अंदर दर्ज नहीं है, ठीक है जी, कौन सा ऐसा अपराध है जो ऋग्वेदा के अंदर दर्ज नहीं है? इंसेस्ट, कॉन्जुगल इनफिडिलिटी, थेफ्ट यानी चोरी, या अबडक्शन फॉर मनी, ठीक है। रवि ठाकुर जी कह रहे हैं बी, वैवाहिक बेवफाई। आंसर क्या है हमारा? डी, अबडक्शन फॉर मनी। अबडक्शन फॉर मनी, पैसे के लिए अपहरण, ऋग्वेदा के अंदर वो नहीं है, बाकी सबकी जो है चर्चा की गई है ऋग्वेदा के अंदर, अबडक्शन फॉर मनी जो है उसकी चर्चा नहीं की गई, ठीक है। आगे चले, चलो, अथर्ववेदा डील्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अथर्ववेद निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? अथर्ववेदा जो है वो किस चीज के साथ जो है डील करता है? हाइमंस यानी भजन, चैंट्स एंड प्रेयर्स, मंत्र और प्रार्थना, स्पेल उच्चारण करना, और डी, सारे सभी, मतलब ये सब चीजों के साथ जो है अथर्ववेदा डील करता है। हाँ जी, तो क्या आंसर आएगा जिसका? हाई मंत्र, चैंट एंड प्रेयर्स, स्पेल, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या है जी हमारा? डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। अब अथर्ववेदा वन ऑफ दी फोर वेदास हमें पता है, ठीक है, मैजिक फॉर्मूलास जो है अथर्ववेदा के अंदर कंटेन है। इसके अंदर तकरीबन 703 हाइमंस हैं, तकरीबन जो है 730 हाइमंस हैं, स्पेल्स, चैंट्स और 6000 के करीब मंत्रास और प्रेयर्स हैं, 6000 के करीब, ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ वैदिक संस्कृत, और 20 किताबों के अंदर ये जो है अथर्ववेदा को डिवाइड किया गया है, 20 किताबों के अंदर, 20 उसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी गई है, ठीक है। तो तकरीबन 6000 मंत्र हैं और 703 जो है, 730 जो है वो हाई मंत्र है, भजन जो है, ठीक है जी। ये सारी चीजें हैं, मैजिक जो स्पेल्स वगैरह, चैंट्स, प्रेयर्स, हाई मंत्र, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। आगे चलते हैं, ठीक। विच डायनेस्टी होल्ड द एरिया फ्रॉम वेस्टर्न डेक्कन टू ईस्टर्न डेक्कन। हाँ जी,
ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसने पश्चिमी दक्खन से लेकर पूर्वी दक्खन का जो एरिया है, ठीक है जी, उसका उसके ऊपर कब्जा था, होल्ड किया हुआ था। पाला डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, नंदास जो थे या मौर्यास जो थे। हाँ जी निशु जी कह रहे हैं सातवाहना। पाला राजवंश, सातवाहन राजवंश, नंदा राजवंश या मौर्या राजवंश। विशाल मेरा भाई कह रहा है बी। चलो आंसर क्या है, बी सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना, सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी ने मॉडर्न डे का जो एरिया है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्से गुजरात के, ठीक है जी, कर्नाटक के और मध्य प्रदेश के भी इंक्लूड है उसके अंदर, जो प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें, ठीक है, ये वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न डेक्कन तक, वेस्टर्न इंडिया, विदर्भा वगैरह सारा जो एरिया है, ये सारा सातवाहना डायनेस्टी के अंडर था तब उनके समय काल में, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच एम्परर ऑफ द मगध एम्पायर इज नोन एज सेनिया। हाँ जी, मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य के किस सम्राट को सेनिया के नाम से जाना जाता था, मगध, मगध जो साम्राज्य था, धनानंदा, अजात शत्रु, बिंबिसारा या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। हाँ जी, धनानंदा, अजात शत्रु, बिंबिसारा या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। हाँ जी अनूप जी कह रहे हैं सी, हेनरी कह रहा है बिंबिसार। हाँ जी और मेरा भाई कोई क्या जवाब दे रहा है, विशाल जी कह रहे हैं सी। आंसर क्या आ गया जी, सी बिल्कुल, बिंबिसार या बिंबिसारा, ठीक है। 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक, हमें पता है ना बीसी का बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी बिंबिसारा के पास, ठीक है, जिस वजह से इतना अपना जो किंगडम है वो ईस्ट में अंगा तक एक्सटेंड किया। तो सेनिया किसे कहा जाता था, बिंबिसारा को, ठीक है जी। आगे चलें, नेक्स्ट, द वर्ड पेपर कम्स फ्रॉम, कागज जो शब्द है वो कहां से आया है। द वर्ड पेपर कम्स फ्रॉम पेपिरस, बैम्बू प्लेट्स, पोर्सेलियन या नन ऑफ द अबव। हाँ जी पटेर, बांस की प्लेटें, चीनी मिट्टी या इनमें से कोई भी नहीं। आंसर क्या है जी हमारा, स्पाइडर जी कह रहे हैं सी। आंसर क्या है, ए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर जो इजिप्शियन थे वो शीट्स के ऊपर लिखते थे, ठीक है, आंसर हमारा ए है, पेपिरस। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर जो इजिप्शियन लोग थे वो शीट्स के ऊपर लिखते थे, जो पेपर की तरह दिखती थी, और जो ये शीट्स है वो प्लांट से बनती थी और उस प्लांट का नाम था पेपिरस, और जो शब्द है पेपर ये वहीं से आया है, ठीक है जी, ये जो शब्द है ये वहीं से आया है। आगे चलें, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज वाज रेफर्ड एज पिशाचा विवाह इन द मैरिज सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत के अंदर विवाह प्रणाली में किस तरह के विवाह को पिशाच विवाह के रूप में संदर्भित किया गया है, लव मैरिज को, या दूसरा, ए मैरिज मेड बाय अबडक्टिंग द ब्राइड अनफेयर मैनर के अंदर जो ब्राइड को, ठीक है, या तीसरा, फोर्सफुल मैरिज बाय कैप्चरिंग द ब्राइड और ग्रूम, या चौथा, ए मैरिज मेड बाय परचेजिंग द ब्राइड। हाँ जी भावना ठाकुर जी कह रहे हैं फोर्सफुल मैरिज। आंसर क्या है हमारे पास, बी, मैरिज बाय अबडक्टिंग द ब्राइड, अनफेयर मैनर के अंदर ब्राइड को उठा लेना, अबडक्ट कर लेना, ठीक है, और इसके साथ कुछ और चीजें जुड़ी हुई है। जो पिशाचा विवाह था वॉज कंसिडर्ड एज एन इनफीरियर मैरिज, वेयर द मैरिज वॉज मेड बाय अनफेयरली अबडक्टिंग द ब्राइड, वेन मैन किडनेप्स वुमेन, टेक हर अवे, हैव फिजिकल रिलेशन विद हर फोर्सफुली और अब्यूज हर इन हर अनकॉन्शियस और मेंटली चैलेंज्ड कंडीशन एंड ड्रंकन स्टेट, ठीक है जी, ठीक है जी।
निशु जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी चलो ये हो गया, ठीक है आगे चलें। नेक्स्ट, सिल्क वाज वेरी मच फेमस 2000 इयर्स अगो इन रोम एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप, क्यों, कारण क्या है? जो सिल्क है, रेशम है, रोम और यूरोप के बाकी हिस्सों में 2000 साल पहले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, कारण क्या था? क्या ये बहुत सस्ता था? ये दूसरा, क्या जो सिल्क के कपड़े थे वो फैशन थे, जो रूलर्स थे, जो लोग राज करते थे, जो शासक लोग थे और अमीर लोग थे, वो सिल्क से बने हुए क्लोथ पहनते थे इस वजह से, या जो सिल्क है वो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर गर्मी का एहसास देता था, वार्मथ जो है वो प्रोवाइड कराता था, या डी ऑल ऑफ दी अबव के ये ऊपर जो तीन कारण दिए, ये तीनों के तीनों ही सिल्क वाले उसके ऊपर फिट बैठते हैं। हाँ जी आंसर क्या है हमारा? बी, बी आंसर बी है। मुझे पता था बहुत सारे लोग इसके अंदर आंसर डी देंगे, आंसर बी है। देखो अगर कहीं ऑल ऑफ दी अबव आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सी तो वैसे ही गलत हो गया तो ऑल ऑफ दी अबव कैसे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिल्क को एक स्टेटस सिंबल बनाया हुआ था, सिल्क महंगा था, आज भी सिल्क महंगा है, जो प्योर सिल्क होता है, जो रूलर थे और अमीर आदमी थे, ठीक है, तो ठीक है जी, तो उस वजह से ठीक है जी, बी बी इसका आंसर बनता है, ठीक है डन। तो उस वजह से बी जो है, इंडिया का खास करके मलमल जो है और ये सारी चीजें हैं, ये बहुत फेमस थी इन एरियाज की, ठीक है आगे चलें। नेक्स्ट, कदमिया वाज ए काइंड ऑफ डैश ड्यूरिंग चोला पीरियड, कदमिया एक प्रकार का डैश था चोला काल में, क्या था कदमिया? क्या वो रोड टैक्स था, पिलग्रिमेज टैक्स था, फोर्स्ड लेबर था, लेबर टैक्स था, या लैंड रेवेन्यू था? ठीक है हाँ जी, जो कदमिया था वो चोला, जो चोला का पीरियड था, उस पीरियड में जो कदमिया था वो क्या चीज थी? रोड टैक्स था, पिलग्रिमेज टैक्स था, फोर्स्ड लेबर थी, या लैंड रेवेन्यू था? हाँ जी कदमिया, आंसर क्या है हमारे पास? डी लैंड रेवेन्यू, बिल्कुल आंसर क्या है? डी लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ चाइनीज स्कॉलर हु रोट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हर्षवर्धना कोट, हाँ जी हर्षवर्धना, जिसका कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, हर्षवर्धना के कोर्ट में एक चाइनीज स्कॉलर था जो 7-8 साल उसके दरबार में रहा, जिसने बहुत डिटेल्ड अकाउंट में जो है हर्षवर्धना के कोर्ट की जानकारी दी कि हर्षवर्धना का सोशल सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, जुडिशियल सिस्टम कैसा था, पूरी चीजें लिखी। तो वो जो चाइनीज पिलग्रिमेज था, यात्री था, विद्वान था, उसका नाम क्या था? वाइजिंग, फाहीन, जुआन जेंग, या ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही रहे हैं। हाँ जी आंसर क्या है हमारे पास? सी जुआन जेंग, सी इज द राइट आंसर, सी सी इज द राइट आंसर, सी, ठीक है। द बुद्धिस्ट मैनुस्क्रिप्ट इन टू चाइनीज एंड टुक देम टू चाइना, जुआन जेंग ने बुद्धिस्ट मैनुस्क्रिप्ट भी वहां लेकर गया, ही टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना थ्रू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षवर्धना। ये 16 साल की इसकी जर्नी थी, जिसके अंदर इसने 600 के करीब जो मैनुस्क्रिप्ट लिखी और फेमस किताबें लिखी, ये हर्षवर्धना के दरबार में रहा और डिटेल्ड अकाउंट दिया, ये बुद्धा का एक स्टैचू वापस लेके गया, गोल्ड सिल्वर और सैंडलवुड, ठीक है वो चीजें भी यहां से वापस लेकर गया। सो आंसर इज जुआन जेंग, सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर पिट हाउसेज, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गड्ढे वाले घरों के लिए प्रसिद्ध था? हेलूर, चीरो, कोलधीवा, या बुर्जाहोब? हाँ जी, कौन सी ऐसी साइट थी जो पिट हाउस के लिए फेमस थी? हाँ जी बुर्ज होम कहां था? कश्मीर के अंदर। बुर्ज होम इज एन एक्सवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट सिचुएटेड इन कश्मीर वैली, ठीक है। इसके अंदर न्योलिथिक और मेगालिथिक एरा का एविडेंस मिला है, तकरीबन 300 BC जो है उसके करीब, ठीक है, 300 BC से
1000 BC के बीच में पिट हाउसेस बने होते थे जो इन्हें प्रोटेक्ट करते थे गोल्ड से, ठीक है, और कुछ वेपन्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट और हंटिंग फार्मिंग काफी सारे एविडेंस जो है बुर्ज होम से मिले। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धना का दूसरा नाम क्या था, शिलादित्य, हर्षादित्य, भास्कर वर्मन या विष्णु वर्धन? हाँ जी, शिलादित्य, ये शायद हमने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है जी। चलो आगे चले, आगे चले, और इसके अलावा हर्षवर्धना का एक टाइटल भी दिया गया था, उत्तर पाथानाथा, जो इसे दिया था पुलकेशिन ने, उत्तर पाथानाथा के उत्तरी जो है उत्तरी एरिया का विजेता, उत्तर का विजेता, उत्तर पाथानाथा। नेक्स्ट, अंडर हूज लीडरशिप श्वेतांबरा सेक्ट फॉर्म्ड, किसकी लीडरशिप के अंदर जो है श्वेतांबरा जो है सेक्ट जो है जैनिज्म के अंदर वो फॉर्म हुआ, भद्राबाहु, स्थालबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य या डी अशोका? भद्राबाहु, स्थालबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य या डी अशोका? आंसर क्या है, ए स्थालबाहु, बी बी सॉरी स्थालबाहु, ठीक है। दो थे ना, स्थूल भद्रा भी बोलते हैं ऐसे, दो थे, भद्राबाहु, स्थूल भद्रा या स्थालबाहु, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। दो मेजर सेक्ट्स के अंदर बटा, दिगंबरा जो स्काई क्लैड थे और दूसरा था श्वेतांबरा जो व्हाइट क्लैड थे, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है जी, एक जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दूसरे जो, ठीक है जी, कपड़े नहीं पहनते, ठीक है जी, डन, आगे चले। हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट, गौतम बुद्धाज मदर महामाया बिलोंग टू विच ट्राइब, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस जनजाति से संबंधित है थी? हाँ जी, पाला, गुप्ता, कुशान, कोलिया। हाँ जी, गौतम बुद्धा की जो मदर थी महामाया वो किस ट्राइब को जो है बिलोंग करती थी, महामाया किस जनजाति से जो थी वो संबंधित थी? पाला, गुप्ता, कुशान, कौलिया। हाँ जी, निशु जी कह रहे हैं डी, आंसर क्या है, बिल्कुल डी, ठीक है, कौलिया ट्राइब। और मैरिज किससे की उन्होंने, सुदोधना से, हु वाज ए किंग ऑफ साक्या क्लैन, सुदोधना, यानी जो इनके फादर थे वो साक्या क्लैन को बिलोंग करते थे, सुदोधना, ठीक है, और मदर जो थी वो कोलिया क्लैन को बिलोंग करती थी, ठीक है। रोहिणी रिवर के दोनों अलग अलग, लुम्बिनी जो है नेपाल के अंदर, अलग अलग किनारों पे दोनों जो जो है राज करते थे क्लैन, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, साक्या वंश, साक्या क्लैन वंश। नेक्स्ट, द ग्रैंड सन ऑफ अशोका हु एक्सेप्टेड जैनिज्म वॉज, हाँ जी, अशोका द ग्रेट के एक ग्रैंड सन थे जिन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट किया, जैनिज्म के अंदर वो गए, नाम क्या था? हाँ जी, संप्रति, कुनाला, ठीक है, दशरथा या सलिसुका? हाँ जी, रवि ठाकुर जी कह रहे हैं दशरथ, आंसर क्या है, संप्रति, एम्परर संप्रति, हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ एम्परर अशोका हु राइंड फ्रॉम 224 से लेकर 274 बीसी तक जो इन्होंने राज किया एंड एक्सेप्टेड जैनिज्म, जैनिज्म के अंदर वो चले गए थे, संप्रति इज द राइट आंसर, ग्रैंड सन ऑफ एम्परर अशोका, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर ए स्कूल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग द ब्रांचेस ऑफ वेदास? हाँ जी, जब हम वेदा से, वेदास की बात आती है तो वेदों की शाखाओं को सीखने और पढ़ाने के लिए, ठीक है, लर्निंग और टीचिंग के लिए वेदास की एक टर्म यूज की जाती है, उस टर्म का नाम क्या है, शाखा, चरना, रथा या यज्ञ, जिसे हम यज्ञ भी बोलते हैं? हाँ जी, जब भी वेदों की बात आती है तो जब भी वेदों को सीखने की, टीचिंग की बात आती है उनकी, वेदास की ब्रांचेस को, तो आंसर क्या है, चरना, बी, चरना रेफर टू द गुरु प्यूपिल लाइनेज, बी,
बिल्कुल अपने गुरु के चरणों में, ठीक है जी, बैठकर कोई चीज सीखनी, जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है, लर्निंग ऑफ वेदास इन एंशियंट इंडिया, बी इज द राइट आंसर, चरना बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट, इन विच ईयर अशोका इन्वेडेड कलिंगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर आता है, किस वर्ष में अशोका ने कलिंग पर आक्रमण किया था। हाँ जी आंसर क्या है हमारे पास, 261 बीसी, कलिंगा 261 बीसी के अंदर, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है, 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, कलिंगा वॉर के बारे में किस रॉक एडिक्ट के अंदर लिखा गया है, 13वें के अंदर, ठीक है जी। सो आंसर इज 261 बीसी, 13th जो रॉक एडिक्ट है उसके बारे में कलिंगा वॉर को एलोबरेट किया गया है, ठीक है जी। आगे चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो हमने कर लिया था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वोर द टाइटल ऑफ अवनी सिम्हा, हाँ जी, निम्नलिखित में से किस राजा ने अवनी सिम्हा की उपाधि धारण की, अवनी सिम्हा, किस राजा को टाइटल दिया गया अवनी सिम्हा का, सिम्हा वर्मन, सिम्हा विष्णु, महेंद्र वर्मन वन, या शिवा स्कंदा वर्मन। हाँ जी सिम्हा वर्मन, सिम्हा विष्णु, महेंद्र वर्मन वन, या शिवा स्कंदा वर्मन। हाँ जी हेनरी जी कह रहे हैं बी, आंसर क्या है, बी सिम्हा विष्णु, जो सिम्हा वर्मन के सक्सेसर थे, जिन्होंने रूल किया 575 एडी से 600 एडी तक, ठीक है जी, सिम्हा विष्णु को टाइटल दिया गया अवनी सिम्हा का, ठीक है जी, अवनी सिम्हा, बिल्कुल। आगे चले नेक्स्ट, द राष्ट्रकूटास वर इन्वॉल्व कंटिन्यूअसली इन द फाइट अगेंस्ट विच रूलर्स, हाँ जी, जो राष्ट्रकूटा थे वो कंटिन्यूअसली किस, कौन से रूलर थे जिनके अगेंस्ट वो लगातार लड़ाई लड़ते रहे, पल्लवास ऑफ कांची, पांड्यास ऑफ मदुरई, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, या ऑल ऑफ द अबव। मदुरई के अंदर ना, मदुरई के अंदर मैं मतलब वैसे तो बहुत सारे साउथ इंडिया के अंदर है, मदुरई के अंदर भी और भी बहुत सारी जगह है, मतलब इतना शानदार आर्किटेक्चर है कि उसका कोई जवाब नहीं, बहुत सारे टेम्पल और बहुत सारा आर्किटेक्चर ऐसा है जिनका कोई जवाब नहीं है। तब वो आज से इतना टाइम पहले इतना ज्यादा, मतलब उसके अंदर कैसी इंजीनियरिंग लगी होगी और किस हिसाब से वो आर्किटेक्चर जो है वो तैयार किया गया, बनाया गया है, वो देखने लायक है, एक बार सबको जो है देखना चाहिए, ठीक है। चलो मैं तो थोड़ा, मेरा हिस्ट्री वगैरह के अंदर इंटरेस्ट है मुझे, तो तब भी वो चीजें फैसिनेट करती हैं बहुत ज्यादा, वैसे भी वो देखने का है, जो आर्किटेक्चर वगैरह बहुत ज्यादा शानदार है, ठीक है जी, तो जरूर देखना चाहिए वो आर्किटेक्चर, बहुत कुछ है घूमने के लिए, हम घूमते नहीं है ज्यादा चीजें, ठीक है, देखने के लिए हिस्टोरिकल चीजें बहुत ज्यादा है। तो आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर, डी, ठीक है। राष्ट्रकूटा जो थे वो फाइट पल्लवास, पांड्यास, चालुक्या, ठीक है, सभी के साथ फाइट के अंदर थे। सो आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट द फेमस बुक बृहत कथा, एक बड़ी मशहूर किताब थी बृहत कथा, उसके ऑथर कौन थे, गुणाद्या, सर्ववर्मन, पन्नी, या राधा गुप्त। गुणाद्या, सर्ववर्मन, पन्नी, राधा गुप्त, हाँ जी हाँ जी विशाल जी, सचिन जी कह रहे हैं ए गुणाद्या। ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है, ये 2022 के अंदर सेम क्वेश्चन, ये पंजाब के कॉपरेटिव इंस्पेक्टर या नैब तहसीलदार दोनों में से किसी एक एक के अंदर था ये क्वेश्चन, कि किसने लिखी बृहत कथा, आंसर क्या है, गुणाद्या। फेमस बुक बृहत कथा वॉज रिटन बाय गुणाद्या, द ग्रेट स्कॉलर इन सातवाहना किंग हाला, ठीक है। पन्नी, पन्नी, पन्नी ने तो ग्रामर लिखी थी भावना, पन्नी जो थे वो ग्रामर के लिए फेमस थे, पन्नी वॉज फेमस फॉर संस्कृत ग्रामर, संस्कृत के अंदर, ठीक है जी। और ठीक है, सातवाहना किंग हाला के कोर्ट में थे ये, संस्कृत के किंग, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर नोन एज तुचारियंस, हाँ
हाँ जी, निम्नलिखित में से किसे तो चरियन के नाम से जाना जाता था, कुशांश को, शाकाज को, हुनाज को या काला भराज को? हाँ जी, काला भराज को। हाँ जी, किन राजाओं को, किस साम्राज्य को जो है तो चारियन के नाम से जाना जाता था, तो चारियन या तो चारियन, कुशांश, शाकाज, हुनाज। ठीक है, हुनाज तो इन्वेडर थे जिन्होंने गुप्ताज के एंड वाले टाइम में अटैक किया यहाँ पे, हुन्स जो थे। आंसर क्या है? कुशांस, ऑल्सो नोन एज यूचिज और तोचारियंस। आंसर क्या है? कुशांस, कुशान। ठीक है, नाम याद रखना, इनको तोचारियन या यूचिज भी कहा जाता था। यूचिज भी नाम याद रखना, यूचिज या तोचारियंस, दोनों ही नाम है। ठीक है जी, डन, आगे चलें। नेक्स्ट, विद विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स सुलवा सूत्र आर रिलेटेड टू? हाँ जी, सुलवा सूत्र एक एंशियंट टाइम का, प्राचीन भारत का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एक सुलवा सूत्र, और वो सुलवा सूत्र मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड था। वो किस तरीके के मैथमेटिक्स के साथ था? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस या गेम थ्योरी? तो तुचारियन कहा जाता था उन्हें, रवि ठाकुर जी, तो चारियन भी कहा जाता था उन्हें। ठीक है, हाँ जी, आंसर क्या है जिसका? ज्योमेट्री। सोलवा सूत्र डील्स विद कॉम्प्लेक्स फायर ऑल्टर्स, ठीक है, साइंटिफिक शेप्स, एरिया, सो ज्योमेट्री। ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट, विच टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षा समांतरा सिस्टम? कौन सा टेक्स्ट जो है, हर्षा का जो सामंत प्रणाली है, समंता प्रणाली, उसके बारे में बताता है? हाँ जी, जो हर्षा ने खुद लिखा नागानंदा वो, या बाना भट्टा ने जो हर्ष चरित्र लिखा उसके ऊपर वो, या प्रियदर्शी का वो भी हर्षा ने लिखी खुद वो, या कदम्बरी जो बाना भट्टा ने लिखी वो? तो इनमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो हर्षा के समंता सिस्टम के बारे में हमें जानकारी देता है? अजय ठाकुर जी कह रहे हैं बी। हाँ जी, आंसर क्या आ गया ये हमारे पास? बी, बाना भट्टा, जो हर्षवर्धना के कोटमैन के कोट पोएट थे, बाना भट्टा। बाना भट्टा की जो हर्ष चरित्रा है, बायोग्राफी है हर्ष चरित्रा की, वो जानकारी देती है हर्षा की समंता प्रणाली के बारे में। ठीक है जी, समंता वॉज द लोएस्ट एंड ऑर्डिनरी टाइप ऑफ वेसल एंड महासमंता वॉज ए स्टेप हायर देन ऑर्डिनरी समंता। ठीक है जी, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड? हाँ जी, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में मनुष्य के सबसे पहले होने के जो प्रमाण है वो पाए जाते हैं? शिवालिक हिल्स, नीलगिरी, नर्मदा वैली? ठीक है जी, दो तो ऑप्शन सेम ही हो गए, ये मिस प्रिंट हो गया, ए और डी। ठीक है जी, कोई ना, इनमें से तीनों में से बता दो, ए बी सी। आंसर क्या है? सी, नर्मदा वैली। अर्लीएस्ट जो एविडेंस है इंसान के, वो कहां मिलते हैं इंडिया में? ह्यूमन के, नर्मदा वैली, बैंक ऑफ नर्मदा एट मध्य प्रदेश, हथनोरा विलेज। विलेज का नाम भी है क्या? हथनोरा, वहां पर हथनोरा विलेज। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ राजा मारतंडा? निम्नलिखित में से कौन राजा मारतंड के लेखक थे? भोजा, जयंता, नाथा मुनि या यमुनाचार्य? हाँ जी, राजा मारतंड। आंसर क्या है हमारे पास? भोजा, जो परमारा डायनेस्टी के राजा थे जिन्होंने राज किया 1010 से लेके 1055 तक जो है, ठीक है, राजपूत डायनेस्टी के जो थे। ही बिकम द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग इन इंडियन हिस्ट्री ड्यू टू हिज पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स, राजा मारतंडा। ठीक है जी, सो आंसर इज भोजा। ठीक है, आंसर इज भोजा, किंग भोजा। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। अग्रहारा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अग्रहार निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? अग्रहार, हाँ जी, विलेजर्स को, पीजेंट्स को, या रेंट फ्री जो ब्रह्मदेया विलेजेस थे, ठीक है जी, या लैंड ऑफ नोबिलिटी? ठीक है जी, जो कुलीनता की भूमि थी, लैंड ऑफ नोबिलिटी उनको। सो
अग्रहारा जो है वो किस चीज को जो है रेफर करता है? हाँ जी, अग्रहारा। आंसर क्या आ गया जी? सी, रेंट फ्री ब्रह्म देया विलेज। अग्रहारा रेफर टू रेंट फ्री ब्रह्म देया विलेज इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम देवर रेंट फ्री विलेजर्स इन द पोजेशन ऑफ ब्राह्मण्स। ये वो विलेजेस थे, ग्रुप ऑफ विलेजेस था जो ब्राह्मण्स के टाइम जिनसे कोई कर, कोई टैक्स कुछ नहीं वसूल किया जाता था। सो दे आर कॉल्ड अग्रहाराज, अग्रहाराज। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगले हफ्ते हम मिलेंगे। स्पाइडर स्टिक जी, देखो मैंने पहले भी बताया था, आर एस शर्मा की किताब पढ़ लेना जी। आर एस शर्मा पढ़ो, फिर मैं और भी बता दूंगा। आर एस शर्मा, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री की किताब मिलेगी आपको, ज्यादा महंगी नहीं है, कोई 200-300 रुपए की किताब होगी। आर एस शर्मा की किताब आती है, आर एस शर्मा नाम याद रखना, मैंने लिखा भी था पिछली बार, आर एस शर्मा। एंशियंट हिस्ट्री की अच्छी किताब है, ठीक किताब है, वो पढ़ना, काफी ज्यादा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और काफी ज्यादा चीजों की जो जानकारी है उसके अंदर से मिलेगी। ठीक है, एनसीआरटी भी वही लिखते थे पहले, आर एस शर्मा। ठीक है, तो आर एस शर्मा की किताब जो है आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलो, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगले हफ्ते मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद जी सबका, साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।